फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एजुकेशन वीडियो में मेरा पहला वीडियो है। एजुकेशन वीडियो में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, और हैंडराइटिंग को अच्छी करने के लिए ये पार्ट वन जो मैं बता रही हूँ, इंग्लिश हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए ये पहला वीडियो है एजुकेशन का। अगर हमारे बच्चे छोटे स्टैंडर्ड में हैं, 5th 6th 7th 8th क्लास में हैं, और उनकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो उनके उनके रिजल्ट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम आज उनकी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की एजुकेशनल वीडियो और भी जो भी मैं बताती हूँ, हैंडीक्राफ्ट है या रेसिपी है, ये सब आपको बहुत आसानी से मिलेगा। और ये एजुकेशन वीडियो में भी मैं बहुत सारी एजुकेशन वीडियो में डालने वाली हूँ, तो आपको इससे अपने बच्चों के एग्जामिनेशन का रिजल्ट सुधारने में बहुत आसानी होगी। तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर का जो लेटर है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट 3 लेटर हमारे हैं ए बी सी, उसी को हम, तो हम हमारा तरीका ये रहेगा, ये जो हमारा हाथ है ये यहाँ पर टिका रहेगा, इसको हमें उठाना नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा हाथ उठना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए हमारा हाथ। और बिल्कुल इस तरीके से ये 3 लेटर्स हमने इस तरीके से, 4 लाइन की कॉपी हमने इसलिए यूज़ करी है कि 4 लाइन की कॉपी में लेटर्स के जो साइज़ होता है वो बहुत अच्छी तरीके से बनता है। इसी लेटर के हम, इन्हीं 3 ही लेटर की हम बार बार प्रैक्टिस हमारे बच्चों को करवाएंगे। अगर हमारे बच्चों के पास वक्त है तो हम ये वाला वीडियो उनको दे सकते हैं, और इसको देखकर वो अपने हैंडराइटिंग को सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरीके से इस वाले हाथ को हमें बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ये हाथ को हमें, ये अभी हम 3 लेटर्स को हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसी में एक लेटर डी और जोड़ेंगे, फिर ई और जोड़ेंगे। इस तरीके से पूरी एक ही लाइन में पूरे अल्फाबेट को लिखने का हम कोशिश करेंगे, और उसी का तरीका यही रहेगा कि जितने भी लेटर हम लिखेंगे तो उनमें हमें ये हाथ हमारा नहीं उठाना है, हमारा हाथ नहीं उठेगा, और तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से जमेगी। देखिए ये इस तरीके से, इस तरीके से हम अपने बच्चों को हमारा वीडियो दिखाते हुए बताएंगे कि ऐसा पूरा पेज को आपको फिल करना है, और उसके बाद हम इसमें इसको पूरा फुल फिल करके और इसमें हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करेंगे। सेव। देखिए ये हम इसको इस तरीके से बार 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 रिपीट करेंगे, तो इससे हमारे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और तरीका वही रहेगा, इसको ऐसे ऐसे बार बार उठा के नहीं करना है हमें, बस इस हाथ को ऐसे जमा के और इस तरीके से हमें हमारे हैंड राइटिंग को सुधारना है। देखिए ये पूरा पेज हमने पूरा फिल कर दिया है, और इसमें अगर दो थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को तो हम इसकी बजाय, हम एक पेज की बजाय 2 पेज भी हम फिल करवा सकते हैं, और पूरा इसमें 4 लाइन की कॉपी में ये हैंडराइटिंग को पूरा फिलअप करवाएंगे, तो इससे उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो लेटर्स का साइज है वो भी बहुत अच्छे से उसका इम्प्रूव होगा। ये जब जब 3 लेटर्स बहुत अच्छे से लिखने आ जाए तो उसके बाद हम इसमें एक और जोड़ देंगे, डी को और करके 4-4 का करेंगे, 5-5 का करेंगे, तो उससे इन इस हैंड राइटिंग को, देखिए ये हमारी हैंड राइटिंग पूरी बहुत ही अच्छे से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है।